हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रॉयड 101। ये हमारा 47 ट्यूटोरियल है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप साउंड पूल का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और साउंड पूल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपका मेंबर वेरिएबल क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने मेंबर वेरिएबल लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ मेंबर वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, 7 टाइप के बनाए हैं, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो कि टोन है उसकी आईडी को स्टोर करेंगे। और फिर यहाँ पर हमने कुछ कांस्टेंट की वैल्यू रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एम साउंड है, एम सी साउंड, एम डी साउंड, आई डी, ये हमने किसके अंदर बना रखा है, किसी भी मेथड के अंदर नहीं, एक क्लास के अंदर बना रखा है। जब भी आप क्लास में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं इस तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, आपका मेंबर वेरिएबल हो जाता है। अब मेंबर वेरिएबल का फ़ायदा ये होता है कि आप उसे किसी भी मेथड में यूज़ कर सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि वो आपका उस क्लास के अंडर होना चाहिए। अगर मैं ये एम वेरिएबल को, एम सी साउंड को इस मेथड के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई मेथड बनाता हूँ, जैसे कि मैंने इंट ए नेम से एक मेथड बनाया, तो इसे मैं इस मेथड के बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। अब ये आपकी लिमिटेशन हो जाती है जब आप किसी मेथड के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया है, मेंबर वेरिएबल का यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं इसे हमें किसी भी मेथड के अंदर यूज़ करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, साउंड पूल को क्रिएट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि उसकी ऑब्जेक्ट को स्टोर कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि उसकी विजिबिलिटी क्या है, उसे किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। तो हम पब्लिक या प्राइवेट की मदद से एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले प्राइवेट, फिर हम इसका टाइप बताएंगे और इसका टाइप क्या होगा, साउंड पूल ही इसका टाइप होगा। फिर हम नेम देंगे, तो मैं यहाँ पर देता हूँ एम साउंड पूल, क्योंकि हमारा मेंबर वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम एम साउंड पूल लिख लेंगे इस तरीके से, समय कोलन लगा लेते हैं। अब देखिए, इसको यूज़ करना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे इसको कॉल करना होगा, और कॉल करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे चाहिए कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर देखिए किस तरह से कॉल करते हैं, वो हम देखेंगे आपके रेफरेंस में। रेफरेंस में हम गए तो हमें यहाँ पर मिला पब्लिक कंस्ट्रक्टर साउंड पूल, दिस कंस्ट्रक्टर इज डेप्रिकेटेड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर लिखा हुआ है यूज साउंड पूल डॉट बिल्डर इंस्टेड ऑफ क्रिएट अ कॉन्फिगर साउंड पूल इंस्टेंस। तो ये कह रहा है कि ये जो कोड है आपका डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड का मतलब ये होता है कि आपका जो कोड है वो अब नए वर्जन्स में के लिए सूटेबल नहीं है, आप नए कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने हमें बताया कि साउंड पूल डॉट बिल्डर का यूज़ करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका अगर डेप्रिकेटेड कोड है, पुराना कोड है, तो आपका चलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने 3 साल पहले एक ऐप बनाई हो, अब नया अपडेट आ गया हो और वही आपकी कंटिन्यूस ऐप चल रही हो, तो ऐसा तो होगा नहीं, नए मोबाइल में ना चले, वो चलती है, जो पुराना कोड भी आपका चलता है। तो हम दोनों आपको करके दिखाएंगे, पुराने कोड को भी चला के दिखाएंगे और फिर नए कोड को भी चला के दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे साउंड पूल के अंदर है क्या क्या, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं, और ये 3 वेरिएबल्स हैं क्या क्या ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंट मैक्स स्ट्रीम, इंट स्ट्रीम टाइप और इंट SRC क्वालिटी, ये हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्स स्ट्रीम का मतलब क्या है। मैक्स स्ट्रीम का मतलब है द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस स्ट्रीम ऑफ दिस साउंड पूल ऑब्जेक्ट, जो साउंड पूल ऑब्जेक्ट है उसका ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रीम हमारी कितनी है, क्योंकि हमारे केस में क्या है, हमारे केस में 7 है, 7 स्ट्रीम हम दे रहे हैं। और स्ट्रीम टाइप क्या है इसका, स्ट्रीम टाइप के अंदर हम ये बताते हैं कि जो आपका ऑडियो का टाइप है वो किस तरह का है। तो हमारा स्ट्रीम म्यूजिक है, सिंपल। उसके बाद SRC क्वालिटी आ जाता है, SRC क्वालिटी में हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, जो हमारा रेट है कि जो क्वालिटी है उसका जो रेट है वहाँ पर हम वो देखेंगे, जिसको हम बाई डिफॉल्ट क्या करते हैं, 0 रख लेते हैं। अब देखिए, ये तो आपका डेप्रिकेटेड कोड है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस कंस्ट्रक्टर इज डेप्रिकेटेड, यूज साउंड पूल डॉट बिल्डर इंस्टेड ऑफ साउंड पूल इंस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए साउंड पूल बिल्डर का कोड भी देख लेते हैं, क्योंकि हम इसे भी आने वाले ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले साउंड पूल बिल्डर, साउंड पूल बिल्ड ये यूज़ करेंगे हम, फिर बिल्डर का आपका साउंड पूल की जो ऑडियो है उसका एट्रीब्यूट सेट करने के लिए, फिर जो मैक्सिमम स्ट्रीम है उसका वैल्यू को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं अपने कोड में, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल का यूज़ करूँगा जो कि हमारा एम साउंड पूल, जो कि हमने एम वेरिएबल बनाया है या फिर मेंबर वेरिएबल बनाया है। तो एम साउंड पूल का यूज़ करता हूँ मैं, और इजिकल टू लगाऊंगा न्यू, जो कि न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, तो न्यू लिखता हूँ, और फिर यूज़ करूँगा साउंड पूल का। और साउंड पूल के अंदर मैं सबसे पहले देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, जो कि हैं 7, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रीम। फिर हम ऑडियो मैनेजर का यूज़ करेंगे, जो कि आपको मिलेगा आपका ऑडियो मैनेजर के अंदर डॉट स्ट्रीम म्यूज़िक। तो स्ट्रीम म्यूज़िक यहाँ पर हमें मिल गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू बतानी है जो कि 0 होती है, तो हम यहाँ पर क्वालिटी देंगे 0,
और यहाँ पर सेमी कोलन लगा लेंगे। अब देखिए जो ये 7 है ये मैंने पहले से एक कॉन्स्टेंट वैल्यू में रखा हुआ है, हेल्पफुल कॉन्स्टेंट एन आर ऑफ सेमेंटेनियस साउंड इस तरीके से। और बाकी भी हम जो हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट दे रखे हैं इनका यूज़ भी हम आने वाले वीडियोस में करने वाले, आने वाले मूवीज़ में करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कर लेता हूँ, ये 7 की जगह कर लेता हूँ एन आर का यूज़ कर लेता हूँ जो कि हमने दिया है। तो यहाँ पर लिखता हूँ एन आर ऑफ सेमेंटेनियस साउंड इस तरीके से, इसका यूज़ आप कर सकते हैं ताकि आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो आपका मेंबर वेरिएबल क्या होता है। मेंबर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आप किसी भी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं और उसे पूरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर साउंड पूल बनाया, इसे मैंने इस मेथड के अंदर यूज़ कर लिया। अगर मैं इस मेथड के अंदर कोई वेरिएबल बनाता तो उसे मैं किसी और वेरिएबल के अंदर या फिर किसी और मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर पाता। उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना था। कंस्ट्रक्टर के नेम से आपको पता चलता है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसे। तो हमने पहले सबसे पहले लिखा एम साउंड पूल, जो कि ये क्या करेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर हमने न्यू, जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं यूज़ कीवर्ड, फिर हमने साउंड पूल का यूज़ किया, फिर हमने एन आर ऑफ सेमेंटेनियस साउंड इसका यूज़ किया। उसके बाद ऑडियो मैनेजर जो कि स्ट्रीम म्यूजिक देता है, फिर हमने क्वालिटी का यूज़ किया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने साउंड पूल को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।